स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में भारत सरकार ने प्रसार भारती को अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दे दी है, यानी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क डेवलपमेंट है। इस परियोजना के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2529 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। बताते चलें, यह योजना सार्वजनिक प्रसार को बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ अपनी सुविधाओं को उन्नत बनाएगी। इस परियोजना से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमा और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसार भारती की पहुँच को व्यापक बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1997 में प्रसार भारती अधिनियम के तहत हुई। इसका उद्देश्य दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सूचना और मनोरंजन प्रदान करना है। हाल में जल शक्ति दृष्टिकोण एट 2047 विषय पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। बताते चले, इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रहे, इसका उद्देश्य अगले 25 वर्षों के लिए जल विजन पर विचार विमर्श करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सम्मेलन आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु जल संसाधनों का संधारणीय उपयोग करने के तरीकों पर विचार विमर्श करना है। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही पीएम मोदी ने P5 विजन की घोषणा की है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक वित्त पोषण, भागीदारी, सार्वजनिक सहयोग और पर्सुएशन। हाल में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके TRF यानी द रेजी स्टेट फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। बताते चलें, गृह मंत्रालय द्वारा लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठन TRF और उसकी सभी अभिव्यक्तियों और फ्रंट संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ध्यान रहे, यह प्रतिबंध गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत लगाए गए हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने TRF को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता हेतु हानिकारक बताते हुए यह निर्णय लिया है। साथ ही TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को चौथी सूची के तहत आतंकवादी घोषित किया है और TRF के सदस्य और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए हैं। स्मरण करा दें, TRF पाकिस्तान आधारित एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन के रूप में 2019 में अस्तित्व में आया था। हाल में RBI ने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की एक सूची जारी की है। इस सूची में 3 बैंक शामिल हैं, SBI, ICICI और HDFC। बताते चलें, DSIB का पूरा नाम डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है, यानी कि घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक। ध्यान रहे, RBI ने 2014 में DSIB के बारे में एक रूपरेखा जारी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस श्रेणी में उन बैंकों को शामिल किया जाता है GDP के लिए अहम होते हैं और जिनके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अभी तक इस कैटेगरी में 3 बैंक, SBI को 2015 में, ICICI को 2016 में और HDFC को 2017 में शामिल किया गया था। याद रहे, इस श्रेणी में शामिल बैंकों को अपने रिस्क वेटेड असेट्स का कुछ हिस्सा कॉमन इक्विटी टियर के रूप में रखना होता है। RBI इस प्रकार के बैंकों को सिस्टमैटिक इम्पोर्ट रेट स्कोर भी प्रदान करता है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी, आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।